बलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूर्व मंत्री आनंद रूप शुक्ला ने 51 पौधे लगाए। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर पौधारोपण यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने आज 51 पौधारोपण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री द्वारा 2017 में वृहद वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिए गए बयान का कड़ी निंदा करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा कि दुनिया के किसी देश से कोई राजनयिक भारत आता है तो अपने देश या अपने सरकार का आलोचन नहीं करता। हाँ विद्यार्थी जी, के पास बैठेंगे बहुत ही ना यार बोलो चलो इसमें डालने के लिए भारत माता की और छोटा भारत माता की जय। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ दीर्घायु हो दीर्घायु हो दीर्घायु हो। आज हम सभी के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का 51वां जन्मदिवस है और यहां हम सभी उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक उत्सवपूर्ण कार्यक्रम में उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। साथ में आज हम सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहां पर 51 वृक्षारोपण किया है और हम सभी यह कामना किए हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की महान संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए निरंतर इसी प्रकार से कार्य करते रहें। देखा गया कि पहले के ज़माने में जब भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है तो लोग एक पेड़ एक पौधे का रोपण करते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा कि ये चीज़ विलुप्त होती जा रही है और पौधों की बहुत कमी होती जा रही है। लोग इस चीज़ से जागरूकता नहीं हो रही, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री इस चीज़ को जागरूकता बढ़ा रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे मुख्यमंत्री जी 2017 से उत्तर प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से भारत की संस्कृति में हमारा जो सह अस्तित्व की भावना है पर्यावरण प्रकृति के साथ, उसमें वृक्ष को हम देव स्वरूप मानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला कि वृक्ष में पीपल हूँ, तो सभी वृक्षों की हमारे पर्यावरण में महत्ता है और इसीलिए आज हम सभी वृक्षारोपण किए हैं। सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए और जैसी मान्यता भी है कि अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो हमें संतान उत्पन्न करने इतना ही पुण्य का भागी होने का लाभ मिलता है, तो हम सभी इसी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों के पुण्य कर्मों का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है। अभी देखा गया कि जिस तरीके से अमेरिका के न्यूयॉर्क में राहुल गांधी जी हैं और लगातार बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं और इसी कड़ी में देखा गया कि अभी मुस्लिमों का दलितों का भी उधर न्यूयॉर्क में आवाज़ उठा रहे हैं। अभी जिस तरीके से उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुई इसको भी लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जो रेल मंत्री उनका इस्तीफा मांग रहे हैं वो न्यूयॉर्क से। राहुल गांधी जी को विदेश की धरती पर जाकर के और विदेशी जो ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ हैं, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, जो मोदी जी के खिलाफ हैं, उनका खिलौना बन के उनकी आवाज़ को अपने शब्द देते हैं राहुल गांधी जी। हम सभी इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
हम लोग भी देखते हैं कि दुनिया के किसी देश से कोई राजनयिक भारत में आता है तो अपने देश या अपनी सरकार की आलोचना नहीं करता है। वयम पंचाधिकम शतम, हम आपस में 100 और 105, 5 और 100 हो सकते हैं, लेकिन हम बाहर के लिए इकट्ठे 105 हैं। दुनिया में जा कर के दुनिया के मंचों का, राहुल गांधी जी अभी पिछले समय ब्रिटेन भी जाकर के उन्होंने बोला था कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आप लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की शक्तियों को आह्वान कर रहे थे कि आप आइए और भारत के आंतरिक मामलों में दखल दीजिए, जबकि भारत दुनिया का सर्वाधिक संप्रभु और सर्वाधिक सशक्त लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी को पुनर्विचार करना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगना चाहिए।